मथुरा जनपद कस्बा श्रीगढ़ में स्थित कोली मोहल्ला में रमेश कोली की लड़की की शादी थी। उसमें कस्बे में बरसों से रह रहे किन्नरों के द्वारा इस गरीब की लड़की की शादी में जाकर भात पहनाया। इस कार्यक्रम के बारे में श्रीगढ़ किन्नर समाज के अध्यक्ष तमन्ना किन्नर ने बताया, यह कार्यक्रम मेरे द्वारा वह हमारे बच्चों के द्वारा गाँव में जगह जगह जाकर बड़े घरानों की शादियों में से एवं हमारे द्वारा नाच गाकर जो भी पैसे में उगाई होती है, मैं इस पैसे को इकट्ठा करके ऐसे ही किसी न किसी कार्यक्रम के बहाने खर्च करती ही रहती हूँ। इस बात में हमने 21 साड़ियाँ, 21 जोड़ी पैंट शर्ट, 51 स्वाफी एवं कुछ आभूषण 1100 रुपये नगद दिए हैं। एक वहीं मैंने अपना एक कस्बा शेरगढ़ एवं भंडारों का आयोजन भी किया है और रामलीला आयोजन में भी दान दिया है। ऐसे ही कार्यक्रम करती ही रहती हूँ, जो मेरे पास है वह आता ही रहता है। हम सभी पैसे को किसी न किसी कार्यक्रम के बहाने खर्च करते ही रहते हैं और ऐसे कार्यक्रम करने में मुझे बहुत आनंद आता है और कस्बा वासियों का भी पूर्ण सहयोग मिलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तमन्ना किन्नर है। आज जो कस्बा शेरगढ़ में जो शादी हुई है उसके बारे में बताएं, किसकी शादी हुई? रमेश की कोलियों में उनकी लड़की की शादी थी। वो गरीब थे और उसमें जाकर के मैंने ढोल तमाशे के साथ में जाकर के भात भरा और खूब धूमधाम से भात भरा और मुझे बहुत भारी खुशी हुई। शायद मैं उसकी बयान नहीं कर सकती, क्या ना तो ईश्वर ने क्या हमारी जिंदगी दी और ईश्वर के ही सहारे आज हम इस शेरगढ़ में हैं और शेरगढ़ में ही अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। और जाकर के हमने रमेश की लड़की का भात भरा जी। और भात भर के फिर हमने उसमें 21 साड़ियां, 21 पैंट शर्ट, 51 स्वापी और 5 चीजें दी हमने और 1100 रुपए थाली में डाले। मैंने सुना है आपके बारे में कस्बा शेरगढ़ में कि आप बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहते हो, उनमें थोड़ा सा कुछ कार्यक्रम के बारे में बताएं, आपने क्या क्या कार्यक्रम किया है यहाँ पर? मैं तो आए दिन तक करती ही रहती हूँ। जुलेंदी में अभी 2-4 महीने पहले किया था और इधर उधर भी और कुछ साड़ियाँ भी पैकिंग रखी हैं, उनकी भी वितरण करूंगी। 2500 साड़ी रखी हुई है और आगे में तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, हे माता रानी मुझे इसी जिंदगी में इतना भाव दे कि मैं लोगों के लिए सब कुछ कर सकूं। और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, एक संत और एक किन्नर में एक दो ही फर्क है, वो संत हैं हम किन्नर हैं, मगर किन्नर की पद्धति सबसे ऊंची होती है, क्यों? समझने वाले के लिए। और हर कोई नहीं समझ पाता किन्नर को, क्योंकि रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो रामचंद्र जी का और किन्नरों के ऊपर आशीर्वाद है और सदा वदा के ही लिए है। और किन्नर की जिंदगी बहुत अच्छी होती है, मगर समाज के देखने से समाज किन्नर को कभी अपनाती नहीं। और आप अपने बारे में और कुछ बताएं जरा। और मैं तो बस यही कहती हूँ, माता रानी की दुआ से मैं उससे माता रानी की कृपा बरसती रहे और मैं हर जिंदगी में यही काम करती रहूं। आप जो कार्यक्रम करते हैं उसके लिए आपके पास पैसा कहाँ से आता है? हम किस घरों में जाते हैं, दो पैसे इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे करके हम ऐसी जगह लगा देते हैं, क्योंकि हमें किसके लिए करना, हमारी अकेली जिंदगी है। जे हमारे चेले नाते हैं, अपने नाच गान करके दो पैसे हमें देते हैं और हम इनका देखभाल करते हैं अपने चेलों का और हम अच्छी जगह लगाते हैं। अच्छा।